Dear learner, royalty will be explained in this video. According to the various dictionary and Oxford dictionary, royalty has been defined as it is an amount of money that is paid to the person who wrote a book, piece of music, or any creations every time his or her work is sold or performed. लेखक को उसकी प्रत्येक रचना या कलाकार की प्रत्येक प्रदर्शनी पर मिलने वाली धनराशि, यही रॉयल्टी है। ये जनरल मीनिंग ऑफ रॉयल्टी है। सामान्य रूप से रॉयल्टी को निम्न तरह से समझा जा सकता है। इसमें कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य जो है वह क्रिएटर या ऑथर से संबंधित है। दूसरा तथ्य जो है क्रिएटर या ऑथर का बाजार में जो व्यक्ति पब्लिश करता है और उस पर लाभ कमाता है। तीसरा पक्ष जो है वो खरीददार का है। पहले व्यक्ति की कृति को दूसरा व्यक्ति प्रोडक्ट के रूप में बाजार में उपस्थित विभिन्न तीसरे प्रकार के व्यक्ति को बेचकर लाभ अर्जित करता है। दूसरा व्यक्ति जो लाभ अर्जित करता है उस धनराशि का तय दर के अनुसार एक अंश ऑथर या क्रिएटर को भुगतान करता है। यह अंश जो भुगतान किया गया है यह रॉयल्टी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ए पेमेंट मेड टू द राइटर्स पीपुल हु हैव इन्वेंटेड थिंग्स ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी ETC एवरी टाइम देयर बुक्स डिवाइसेस लैंड ETC आर बाउट और यूज्ड बाय अदर्स। ये रॉयल्टी है, ये पेमेंट रॉयल्टी है। जिस प्रकार पुस्तक के प्रकाशक या म्यूजिक कंपनी रचनाकार की कृति को बेचकर अर्जित लाभ का एक अंश धनराशि के रूप में लेखक या रचनाकार को देता है, जो यह भुगतान रॉयल्टी कहलाता है। उसी तरह से माइनिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट मिनरल के क्वांटिटी के आधार पर ठेकेदार या लीज होल्डर द्वारा खनिज के मालिक को एक अंश भुगतान करता है, जो मिनरल रॉयल्टी कहलाता है। इसको ध्यान से देखने पर दो मुख्य बातें सामने आता है। पहली बातें हैं कि मिनरल ओनर, दूसरी जो बातें हैं वो लीज होल्डर या कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित है। मिनरल ओनर कॉन्ट्रैक्टर को लीज देता है, कॉन्ट्रैक्टर सर्टेन क्वांटिटी में मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करता है और एक दर तय रहता है, या दर पर क्विंटल हो सकता है, पर टन हो सकता है। पर टन के हिसाब से कुछ भुगतान मिनरल ओनर को लीज होल्डर या कॉन्ट्रैक्टर करता है। यह भुगतान मिनरल रॉयल्टी है। आफ्टर द माइनिंग ऑफ द मिनरल
अमाउंट पेड बाय द कंट्रैक्टर और लीज होल्डर टू द ऑनर ऑफ द मिनरल्स एट ए फिक्स्ड रेट इज कॉल्ड रॉयल्टी. माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 एवं 1957 के अनुसार स्टेट मिनरल ऑनर होता है. जिस राज्य में मिनरल पाए जाते हैं उस वह राज्य मिनरल का ऑनर होता है. अतः रॉयल्टी वही राज्य एकत्रित करता है लीज होल्डर से. द स्टेट इज ऑथोराइज्ड एज ऑनर ऑफ मिनरल्स बाय द माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 एंड 1957. The state has the right over the minerals. The partial amounts paid by the mineral producer or lease holder to the holder of the right is royalty. Royalty is calculated on the quantity of mineral extracted after mining. Mineral extracted, whether sold or not, in any cases, royalty will have to be paid by the contractor or lessee to the state. इसका मतलब ये है कि रॉयल्टी लीज होल्डर को पे करना है, चाहे उसका मिनरल्स जो माइनिंग के बाद एक्सट्रैक्ट किया गया है उसकी बिक्री हुई हो या उसकी बिक्री नहीं हुई हो. यदि एक बार मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, माइनिंग से बाहर निकाल लिया गया है और अभी उसकी बिक्री नहीं हुई है, वह माइनिंग के बाद यों ही रखा हुआ है, ऐसे केस में भी उसको तय दर के हिसाब से रॉयल्टी स्टेट को चुकाना पड़ेगा. द ऑनर ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज लेसर. इसका मतलब ये है कि जो जिस भूमि में माइनिंग किया जा रहा है और मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उस भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहता है, तो राज्य सरकार उसका ऑनर हुआ और यह ऑनर लेसर के नाम से जाना जाता है. एंड ए लेसी इज, और ये लीजी इज, ए पर्सन और कंट्रैक्टर हु इज ऑथराइज्ड और गिवन लीज टू मिनरल माइनिंग. लीजी वही है जो लीज होल्डर है, जो कंट्रैक्टर है, जो ऑथराइज है मिनरल के माइनिंग के लिए. तो यहां दो शब्द है, पहला शब्द है लेसर, दूसरा है लीसी और लीजी. लेसर स्वामित्व जिसके पास है, लीजी जो लीज होल्डर है या जो कंट्रैक्टर है. रॉयल्टी इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9 ऑफ MMDR एक्ट 1957. रॉयल्टी का उल्लेख सेक्शन 9 MMDR एक्ट 1957 में है. रॉयल्टी
का उत्पत्ति कैसे हुआ? बहुत पहले यह टर्म ब्रिटेन में प्रचलित था। ब्रिटेन में गोल्ड और सिल्वर ये दोनों स्टेट मेटल हुआ करता था और इस मेटल की माइनिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को लीज दिया जाता था उससे इस मेटल के माइनिंग के एवज में कुछ राज्य को पे करना पड़ता था और यही पेमेंट रॉयल्टी कहलाया, क्योंकि ये राज्य को पे करना था, रॉयल क्राउन को पे करना था, इसीलिए इसको रॉयल्टी कहा गया। टर्म रॉयल्टी ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर कंसिडर्ड द स्टेट मेटल्स इन ब्रिटेन एट दैट टाइम। द कंट्रैक्टर हु डिड द माइनिंग ऑफ दीज टू मेटल्स हैड टू पे द स्टेट शेयर। रॉयल्टी रेट्स फॉर मेजर मिनरल्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MMR 1957 के अनुसार या 1948 के अनुसार मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है मेजर मिनरल्स, दूसरा है माइनर मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स का जो रॉयल्टी का दर होगा, चाहे वो प्रति क्विंटल हो, प्रति टन हो, प्रति टन कितने रुपये होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया जाता है और रॉयल्टी का जो कलेक्शंस होता है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है। इस तरह से इस चैप्टर में हमने रॉयल्टी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में समझा और रॉयल्टी कई तरह से क्रिएटर को या ओनर को वो दिया जाता है। म्यूजिक या बुक पब्लिशिंग कंपनी ऑथर को रॉयल्टी प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से माइनिंग में, मिनरल इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के जो ओनर होते हैं, जो लीज होल्डर होते हैं, वो स्टेट को अपने माइनिंग एक्सट्रैक्ट मिनरल के क्वांटिटी के आधार पर प्रति टन भुगतान प्रत्येक स्टेट को करना होता है और ये एक्ट के अधीन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 1948 का MMR एक्ट हो या 1957 का MMR एक्ट हो, इन दोनों एक्टों में रॉयल्टी का विशेष उल्लेख किया गया है।